चीफ कोर्ट मार्शल, दो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साथी समेत तीन साबिक अफसरान भी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा, सऊदी अलियाल की जान को खतरा, मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। हलचल मच गई, आखिर क्या होने जा रहा है, जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। हाउसिंग सोसाइटी के ओनर की जानिब से दरख्वास्त के बाद पाक फौज की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, जिसके बाद पे दर पे इंकशाफात की लाइन लग चुकी है, जिसने पाकिस्तानी अवाम को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। इसी हवाले से अब इनके खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में तीन रिटायर्ड अफसरान भी फौजी हिरासत में है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इन अफसरान ने फौजी नज्म व जब्त के खिलाफ काम किए। गिरफ्तार अफसरान में दो साबिक आला अफसरान ब्रिगेडियर रिटायर्ड गोफार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और एक साबिक कर्नल शामिल हैं। तीनों अफसरान पैगाम रसानी का काम करते थे। तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राबतेकारी में शामिल थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर का ताल्लुक चकवाल से है और ये जनरल फैज के खास और मंजूर नजर अफसरान थे, जो रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसाई और सहूलत कारी में भी मुलविस थे। इन रिटायर्ड अफसरान और इनके साथियों ने सियासी मुफादात रखने वाले अफराद के साथ मिलकर और मिली भगत से अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिशें की। दूसरी जानिब अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने और अमेरिका के साथ गैर मशरूत ताउन के मामले पर उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली और उन्हें इसी वजह से किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है। इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए जरूरी है कि मुआहदे में फलस्तीनी रियासत के क्याम के लिए फौरी रास्ता भी शामिल किया जाए। अमरीकी कांग्रेसी अरकीन से गुफ्तगू में सऊदी वली अहद ने मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का हवाला भी दिया और कहा कि इन्हें भी इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की पादाश में कत्ल किया गया था। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक हलचल सी मची दिखाई दे रही है, जिसका अंजाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।